आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज इंडिया है। दिन के खात्मे पर दिन भर के हालात का जायजा लेकर इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हैं। आज तारीख 22 अप्रैल 2021 है। आइए जानते हैं आज की अहम खबर क्या है। आज की अहम खबर ये है कि कोरोना महामारी का जो सिलसिला है भारत देश में लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया से कोरोना महामारी का डर और खौफ खत्म हो गया है, मगर भारत देश में ये अभी सिलसिला तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां तक मुयस्सर नहीं है और कई लाशों को नंबर लगाना पड़ रहा है। इसी तरह कर्नाटका के शहर बेलगावी में भी कोरोना महामारी के चलते 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और कई मुस्लिम जमातों के लीडरों ने और जमीर अहमद जो कांग्रेस के एमएलए हैं, अमीर शरीयत कर्नाटका की, इन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि 9 बजे के बजाय कुछ इस टाइम को बढ़ाया जाए ताकि तरावी की नमाज को पढ़ना आसान हो सके, मगर गवर्नमेंट ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात को देखते हुए अंजुमन इस्लाम जिला बेलगावी के सदर जनाब राजू सेठ साहब ने भी इस फैसले का इंतजार करते रहे, मगर इसका कोई हल नहीं निकल पाया। इसके बाद राजू सेठ और उन्होंने और जमात के कई लोगों ने एसीपी कट्टीमनी के ऑफिस पहुंचे और वहां पर गवर्नमेंट के तमाम गाइडलाइंस के बारे में बात की गई और मुसलमानों ने इस बात को मान लिया कि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के इस बात को हम मानेंगे, हर तरह के गवर्नमेंट का पालन करेंगे और इस कोरोना बीमारी को दूर हटाने में मदद करेंगे। मगर अचानक फिर से पुलिस के जरिए से बेलगावी में दुकानों का बंद करना का सिलसिला शुरू हुआ। जब हम पुलिस डिपार्टमेंट से पूछे जाने पर इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल गाइडलाइंस हुक्म आया है कि पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए और ये लॉकडाउन जो है 4 मई तक जारी रहेगा। आइए देखते हैं तफसील से आज के हालात बेलगावी में और कर्नाटक में किस तरह हो रहे हैं। कर्नाटका में 9 बजे से रात और सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। बेंगलुरु में कई मुस्लिम लीडर्स, अमीर शरीयत और कांग्रेस पार्टी के एमएलए जमीर अहमद खान ने इस 9 बजे के टाइम को तब्दील करने के लिए गवर्नमेंट से अपील किया, मगर गवर्नमेंट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और जिस तरह से टाइम था उसी टाइम को उन्होंने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। और बेलगावी में अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब और उनकी टीम ने उन्हीं की मीटिंग के हल का इंतजार करते रहे, मगर इसका कोई हल नहीं निकल पाया। फिर एसीपी कट्टीमनी बेलगावी में इस मीटिंग को तलब किया गया और गवर्नमेंट के तमाम गाइडलाइंस को बताया गया। उसके बाद तमाम मुस्लिम रहनुमाओं ने इस बात को मानते हुए अपने अपने घर चले गए। इसी 1 घंटे के बाद फिर ऐसा बेलगावी में शुरू हुआ कि तमाम पुलिस के जरिए से तमाम दुकानों को बंद करने का सिलसिला शुरू हुआ। पूछे जाने पर पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अहम हिदायत आए हुए है कि मिनी लॉकडाउन यानी लॉकडाउन पूरी तरह किया जाए। फिर लोगों में परेशानी का बांस बना, बिना इंटीमेशन के, बिना लोगों को समझाए अचानक दुकानों को बंद करने लगे। इससे काफी दुकानदारों को, बिजनेसमैन को परेशानी होने लगी। फिर कई बिजनेसमैन ने डीसी बेलगावी के पास पहुंचे और उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान कोई कोरोना नहीं था, अचानक रमजान के महीने में कोरोना क्यों आया, और अगर कोरोना आया ही है तो फिर आपको चाहिए कि इस तरह से दुकानें अगर बंद करेंगे तो लोगों की जिंदगी जीने का हाल जो है बेहाल हो जाएगी, बिजनेस ठप हो पड़ेंगे और लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, यहां तक कि खाने पीने के तक लोगों के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा न करें, अगर गवर्नमेंट इसी तरह लॉकडाउन करना ही चाहती है तो हर घर को जो है 10,000 रुपये दे दे हर महीना, फिर लॉकडाउन कितने महीने हो सके किया जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें अमल में लाई गई और कई लोगों ने एहतजाज किया, मगर डीसी एडीसी ने इनको समझाया कि ये ऑर्डर ऊपर से आ चुका है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको इसका पालन करना ही पड़ेगा। इसी तरह लोगों ने वापस आया, फिर आज से जो है लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया है कि इसमें दवाइयों की दुकानें, राशन की दुकानें, होटल का जो पैकिंग लेकर जाना, इस तरह के चंद दुकानें, मेडिकल्स, हॉस्पिटल खुले रहेंगे, बाकी के तमाम दुकानें बंद रहेंगे। सबसे अहम बात यह बताई गई है कि शराब की दुकानें पूरी तरह खुली रहेंगी। मस्जिदों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को और इबादतगाहों को बंद किया जाएगा, मगर शराब की दुकान खुली रहेगी, ये कितनी
अहम और जरूरी बात है समझने के लिए। लास्ट रमजान में जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था, उसी तरह इसी रमजान में भी लॉकडाउन किया गया है। लोगों को 5 ही लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, मगर मुस्लिम रहनुमाओं ने गवर्नमेंट के तमाम बातों को मानते हुए कहा कि हम पूरी तरह गवर्नमेंट का साथ देंगे, पुलिस प्रशासन का साथ देंगे, और पुलिस प्रशासन गवर्नमेंट भी लोगों का साथ देना चाहिए और लोगों के जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करना चाहिए, वरना ऐसे हालात में, ऐसे लॉकडाउन में लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा और लोग बीमारियों से ज़्यादा भूखमरी से मरना शुरू हो सकते हैं। गवर्नमेंट को भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और अफसोस की बात है, पूरी दुनिया से कोरोना खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मगर भारत देश में कोरोना गली गली में, मोहल्लों में, शहरों में, हर जगह बढ़ता ही जा रहा है। ये कितनी अफसोस की बात है। काफ़ी लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि कोरोना और ये बीमारी जो है इस मुल्क से दूर हो जाए, मगर बीमारी दूर होने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसी कौन सी बीमारी है जो भारत से इतनी मोहब्बत कर रही है और भारत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಐಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಅವಾಗೇನು ಕೊರೋನಾ ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಡವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ದುಡಿದ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಕಿತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಂದಿ ಎಷ್ಟ ಹಾರಾಡ್ತಾರ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ನೀವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಟೋಟಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ನಾವು ಚಲೋ ಇಡವ್ರಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. कैमरामैन मोहम्मद अमीर के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।